प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चने दाल का फारा बनाना बताएंगे। तो चने की दाल को हमने 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया है, बढ़िया तरीके से फूलकर तैयार हो गया है। सूखे पुदीने की पत्तियां ले लिया है, 15-16 कलियां लहसुन ले लिया है, 2 लाल तीखी मिर्च ले लिए हैं, 1 हरी मिर्च ले लेते हैं, 2 कच्चे आम ले लिए हैं चटनी के लिए, और हमने ये 5 फोड़न मसाला ले लिया है, और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया भी डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरीके। तो सबसे पहले हम आम का छिलका उतार लेते हैं चटनी के लिए, और हम चने दाल का फरा आम की चटनी के साथ खाएंगे। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके हम छिलका उतार लेते हैं। तो दोनों आम का छिलका उतार दिया है इस तरीके। अब हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। तो इस तरीके हमने छोटे पीस में काट लिया है, और आम की जो गुठली है इसे हम बगल में रख देते हैं, और अरहर की दाल पकाते हुए इसे हम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी दाल। अब हम मिक्सी जार लेंगे और आम को छोटे पीस में और काट देते हैं, ताकि चटनी पीसने में कोई दिक्कत ना रहे, बिल्कुल महीन पीस जाए। लहसुन की कलियां थोड़ा अलग कर लेते हैं दाल के फरा में डालने के लिए। 1 हरी मिर्च डालेंगे चटनी में, लाल तीखी मिर्च फरे में डालेंगे, पुदीने की पत्तियां, 5-6 कलियां लहसुन डाल देते हैं चटनी में, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम महीन पीस लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल महीन हमने चटनी पीस लिया है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। मिक्सी जार में थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्सी का जार धुलकर चटनी में डाल लेते हैं। चटनी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हमारे पास हरा धनिया नहीं था, इसलिए हमने नहीं डाला। अब हम चने की दाल पीसेंगे। अब हम मिक्सी जार में लहसुन की कलियां, लाल तीखी मिर्च डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम चने की दाल डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम महीन पीस लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल महीन हमने पीस लिया है। तो इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके सभी चने की दाल को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो सभी चने की दाल को हमने पीस कर तैयार कर लिया है, और अच्छी तरीके मिला भी दिए हैं। और हमने गेहूं का आटा गूंध लिया है, थोड़ा सूखा आटा ले लिए हैं। आटा गूंधते समय वीडियो नहीं बनाई कि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। मेथी के दाने को चटकने देते हैं। मेथी के दाने चटकने लगे हैं। अब हम पानी डालेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरीके मिला देते हैं।
गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसमें हम उबाल आने देते हैं। तब तक हम आटा की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। तो इस तरीके हम लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके हमने लोइयां बना लिया है। थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, उंगलियों की सहायता से इसे बड़ा करेंगे और इसे हम बेल लेते हैं रोटी के आकार में। जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके हम बेलेंगे, ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ही ज़्यादा मोटा हो, इस तरीके बेल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके हमने बेलकर तैयार कर लिया है। तो आइए इसमें हम अब दाल की स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा पानी ले लेते हैं और किनारे किनारे पानी लगाएंगे ताकि चिपक जाए बढ़िया से। और ये हमने दाल की स्टफिंग डाल दिया और इसे हम गुजिया के आकार में बना लेते हैं। ये देखिए, दाल का फरा बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। कम समय में कम सामग्री में बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके हम बना के तैयार कर लेते हैं। इसे गांव में लोग पनबुड्डा के नाम से जाना जाता है और इसे हम दाल का फरा बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो इस तरीके हमने बना के तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो आइए इन्हें पकाते हैं। पानी में उबाल आने लगा है तो एक एक करके चने दाल का फरा डाल देते हैं। तो सभी चने दाल का फरा बना के इस तरीके उबलते हुए पानी में डाल देंगे। थोड़ा इसे हम इस तरीके चला देते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे ताकि बढ़िया से पके। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से चने दाल का फरा पक रहा है। तो इसे हम फिर एक बार कलछुल की सहायता से चलाएंगे ताकि चारों तरफ बढ़िया से पनबुड्डा पक जाए। अब इसे हम 6 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे ताकि बढ़िया से पक जाएं। 6 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए चने दाल का फरा बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं, बढ़िया तरीके से पक के तैयार हुआ है। तो अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो चने दाल का फरा हमारे बच्चे फ्राई किया हुआ पसंद करते हैं, तो जितना हमें फ्राई करना है उतना हम अलग कर लेते हैं और बिना फ्राई के जो खाना है उसे हम अलग कर लेते हैं। तो काफ़ी गर्म है चने दाल का फरा, तो इसे हम दूसरे बर्तन में चाकू की सहायता से छोटे पीस में काट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से कट रहा है चने दाल का फरा और अच्छी तरीके पक भी गया है। और इसे पकने में करीब 11 से 12 मिनट तक लगा है। तो इसे हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो जितना हमें फ्राई करना है उतना हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो आइए इन्हें फ्राई करते हैं। कढ़ाई अच्छी तरीके गर्म हो चुकी है। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है। अब हम 5 फोड़न मसाला डाल देते हैं। मसालों को चटकने देते हैं।
मसाला बढ़िया से चटकने लगा है। मसाले बढ़िया से चटक चुके हैं। अब हम कटा हुआ चने दाल का फरा डाल देते हैं और इसे करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तरीके अलटते पलटते चारों तरफ बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, तभी बढ़िया टेस्टी बनेंगे। और इस तरीके बनाएंगे तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और पहले के ज़माने में लोग इसे बिना फ्राई करके खाते थे, और अब के बच्चे हैं कि बिना फ्राई किया हुआ पसंद ही नहीं करते, तो हमें फ्राई करना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरीके हम अलट पलट कर बढ़िया से चारों तरफ फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। तो एक बार इस तरीके चने दाल का फरा ज़रूर से ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बना है। तो आज की हमारी चने दाल की फरा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चने दाल का फरा बढ़िया से फ्राई हमने कर लिया है, करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई किए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जितना हमें खाना है उतना हम निकाल लेते हैं, ये देखिए। और साथ में एक बिना फ्राई किया हुआ पनबुड्डा रख लेते हैं, और साथ में हमने आम की चटनी रख लिया है। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, या टमाटर की चटनी के साथ खाइए, या तो बिना चटनी के भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह पनबुड्डा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।